लेट्स लुक एट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑफिस लेआउट के किस तरह हम उसको डिटर्मिन करते हैं फर्स्ट uh, स्टेप के अंदर हम टू बाई थ्री यानी कि सिक्स स्पेज का देखते हैं कि टू बाई थ्री के ग्रिड है अवेलेबल जिसके अंदर हमने सेटिस्फाई करने डिफरेंट प्रेफरेंसेस जो भी प्रोवाइड की गई है अब ये जो प्रेफरेंसेस हैं ये मैनेजमेंट प्रोवाइड करती है uh, कि जी कौन से डिपार्टमेंट्स कंपनी जो है कि वो कौन से डिपार्टमेंट एक दूसरे के नज़दीक होने चाहिए और कौन से नहीं होने चाहिए उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं उसी के बेस के ऊपर हम ये रिलेशनशिप चार्ट डेवलप करते हैं ये हमारे सिक्स डिपार्टमेंट्स हैं ए बी सी डी ई एफ अब इनका हमने देखना है कि ये किसके कौन करीब होना चाहिए और किसको करीब नहीं होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल दिस एक्स मीन्स डिपार्टमेंट ई एंड डिपार्टमेंट एफ शुड बी फार अपार्ट ये एक दूसरे के करीब नहीं होने चाहिए इसकी कोई भी वजह हो सकती है वो मैनेजमेंट ने डिसाइड किया डिपार्टमेंट डी उसके ये दो हैं जो कि एब्सुलटली नेसेसरी है और एक डिपार्टमेंट ए भी है जो कि इस तरह हम इसको देखेंगे फॉर एग्जाम्पल अगर हम डिपार्टमेंट ई e को लें और बी को कनेक्शन देखें तो यह हमारी कनेक्शन आएगा सो दिस इज इम्पोर्टेंट ऑफ डिपार्टमेंट बी टू बी नियर डिपार्टमेंट ई तो इस तरह हमने इसको देखना है और इसके अंदर हमने क्योंकि डी का तीन एब्सोल्युटली नेसेसरी है तो जो हमने टू बाई थ्री का ग्रिड बनाया है तो उसके अंदर आइदर दिस पॉइंट और एट दिस पॉइंट हमें इसको प्लेस करना पड़ेगा नंबर फोर जो हमारा डिपार्टमेंट डी है क्योंकि इसके फिर नेक्स्ट ये तीन आ जाएंगे और इसी तरह इसके नेक्स्ट तीन आ जाएंगे तो इसलिए वो जो एब्सोलूटली नेसेसरी की रिक्वायरमेंट है वो हम मीट करेंगे जो वी लेट से प्लेस डी एट दिस पॉइंट अब इसके साथ जो एब्सोलुटली नेसेसरी हैं वो हम प्लेस कर सकते हैं एंड दैट इज दिस इज ई एब्सोल्यूटली नेसेसरी ए

कि ये एक दूसरे के करीब लोकेट किए जाए तो इस तरह वी विल डिसाइड कि कौन सा डिपार्टमेंट किसके करीब हम लोकेट करें और उस बेसिस के ऊपर एक बार हम ये डिसाइड कर लें तो इसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है इट इज़ बेसिकली ट्रायल एंड एरर मेथड, जिसको हम यूज़ कर कर हम ये अच्छा लेआउट डिसाइड कर सकते हैं कि इस कंडीशन के अंदर कौन सा लेआउट बेहतर होगा